खबरों की ओर रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने पत्रकारों से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मोबाइल बंद करने की बात कहते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पत्रकारों से हाथापाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकारों ने बनवीरपुर हिंसा में आशीष मिश्र की लेकर सवाल किया था। इस बात से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र आग बबूला हो उठे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र जब गाली गलौज कर रहे थे तब विधायक योगेश वर्मा और विधायक मंजू त्यागी भी मौजूद थे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या नहीं कर अभी करीब एक बजे मुझे भी ये वीडियो प्राप्त हुआ और मैंने उसको देखा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा देश और उस देश की सरकार के गृह राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार मिश्र टेनी ने जो कुछ भी कहा है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, पूरी मीडिया को चोर कहा है और ये भी कहा है कि मीडिया निर्दोष को फंसाने का काम करती है। वो भूल गए कि देश की आज़ादी के दौरान और देश की 75 साल का जो सफर हुआ है आज़ादी स्वतंत्र भारत का, उस दौरान आपातकाल के दौरान तमाम सारी समस्याओं के दौरान केवल और केवल मीडिया ने सही बात को रखा है और मीडिया ने बड़ी बड़ी धाराएं मोड़ी हैं। हम इस अवसर पर लखीमपुर खीरी जनपद के सभी पत्रकार साथियों की तरफ से उनके इस बयान पर गहन संवेदना, गहन आक्रोश, गहन दुख व्यक्त करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, पूरे मामले की अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आई हैं कि मंत्री ने अभद्र भाषा का प्रयोग पत्रकारों से किया, साथ ही धमकी दी और अपशब्द भी कहे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पाई है? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज दोपहर की घटना है जब कुछ पत्रकार साथी अजय मिश्रा जी की बाइक लेने गए थे, कुछ सवाल करना चाहते थे उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर। उसी समय ये थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पत्रकारों पे ही हावी होने लगे और गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो सवाल करना चाह रहे थे संवाददाता किसी का भी सीधे सीधे सवाल न करके सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको वहां से हटाने लगे। बहुत निंदनीय है। हालांकि इनका जब से लखीमपुर की घटना हुई है शुरू से ही इनका कोई ना कोई ऐसा होता रहता है जिससे ये विवादों में जुड़े रहते हैं। जो आज घटना हुई है इससे सभी पत्रकार, जो भी लखीमपुर जनपद के पत्रकार थे, सबने आक्रोश है, सबने इस चीज की घोर निंदा की। हालांकि और भी जो पार्टियां उनका भी बयान आता है, वो भी बोलते हैं कि जो इन्होंने किया, जिस तरह से किया, ये सब पत्रकारों के साथ करना बेहतर नहीं होता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इनको आगे चल के शायद भुगतना भी पड़े, क्योंकि ये जो इन्होंने आज किया है, जितने भी पत्रकार साथी थे उनके उनके साथ जो व्यवहार किया, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जी रविंद्र जी, मामला गंभीर हो जाता है अगर पत्रकार के पक्ष से देखा जाए तो। मंत्री हैं तो पत्रकार के साथ किसी भी भाषा का उपयोग करेंगे क्या? इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं और सामने एक सवाल ये भी खड़ा है कि पार्टी इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करेगी, पार्टी के जो प्रशासन है उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हाईकमान बीजेपी ने विधायक को, मंत्री को दिल्ली बुलाया है। जी रविंद्र जी, ये कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा कि हाईकमान क्या फैसला करता है या पार्टी क्या फैसला करती है। अभी तो जो प्रकरण है इसको लेके पत्रकारों में काफी आक्रोश है और काफी नाराजगी है। अब पार्टी को करना चाहिए, पार्टी करती कि नहीं करती ये तो समय बताएगा, लेकिन जो हुआ है बड़ा निंदनीय हुआ है। जी अजी रमन जी, ताजा जानकारी मिली है कि मंत्री जी को दिल्ली हाईकमान ने बुला लिया है, इसको लेकर आगे कुछ अपडेट मिल पाई है? मैं फिर वही कहूंगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, समय का इंतजार करते हैं। अगर पार्टी हाईकमान कोई ना कोई कार्रवाई करती है तो बेहतर रहेगा, उससे शायद पत्रकार साथियों को भी राहत रहे और अजय मिश्रा जी को भी राहत रहे। जी बिल्कुल, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां मंत्री का पत्रकार के साथ अपशब्द करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर जोरदार हंगामा भी हुआ संसद में। इसे लेकर एक और मामला सामने आया है जहां मंत्री पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं।